नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर का शुक्रवार को सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने मरीजों का कुशलक्षेम पूछते हुए जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स से उनके उपचार के बारे में जानकारी लेते हुए जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन द्वारा साफ सफाई और मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने महानगर वासियों को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर के अंदर और समस्त वार्डों में बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था रखने और मरीजों को समय पर बेहतर इलाज देने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए अस्पताल परिसर में की गई मरीजों की बेहतर व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। इस दौरान डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर शाहनवाज और डॉक्टर आर डी रमन सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा, आराम हम सांसद उन्होंने भी बात हुई, ठीक है, डॉक्टर साहब कहना ठीक आ जाए मुझे रार मान। वेरी हैप्पी, ग्लैड, सो दैट यू नो, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। श्री रंगाई पता ही खरी बात है, वो करा दे, है ना। यदि बात थोड़ा सा होगा तो मेडिकल इंडस्ट्री बताइएगा, हम बोल देंगे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, है ना। सर एक बेड सब ऑक्यूपाइड रहता हूँ, लेकिन बहुत साफ रखा है आपने, कीप इट अप, अच्छा ध्यान रखिए सब मरीजों का। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा, हम हमारे एक जर्नलिस्ट भाई की माताजी भी उनको जल गई थी थोड़ा 40%, उनको भी देखना था, उसी बहाने अस्पताल का निरीक्षण किया। पर हमको बहुत अच्छा लगा, साफ सफाई से लेके सब कुछ इस अस्पताल में, तो पूरे डॉक्टर के पैनल जितने भी यहाँ के मैनेजमेंट टीम है, हम सबको धन्यवाद दिए, सारी नर्सेस को धन्यवाद दिए कि पेशेंट का ध्यान भी रख रहे हैं। और सफाई जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी को बहुत पसंद है, हमारे प्रधानमंत्री जी को पसंद है कि जहाँ पर अस्पताल में सफाई होगी वहाँ पे डिजीज़ कम होगी और रिकवरी रेट फास्ट होती है। तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ पे कैसे डिजीज़ कोई भी बीमारी ठीक होगी। तो सबसे अच्छा लगता है जब अस्पताल साफ़ सुथरा हो, वो नहीं तो एक बदबू आती है, एक डरावना सा माहौल नहीं रहता। अस्पताल को खुशबूदार रखा है इन्होंने, पेशेंट खुश रखे हैं और पेशेंट खुश रहे हैं तो जल्दी रिकवर होते हैं। तो मैं देख के निरीक्षण करके हमको अस्पताल का बड़ा अच्छा लगा। सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तो महाराज जी कोई कसर छोड़ते नहीं। रोज को आप देख रहे हैं कि 11 बजे रोज सुबह महाराज जी कोविड की मीटिंग करते हैं लखनऊ में। तो स्वास्थ्य को लेके जितने पूज्य महाराज जी इंसेफ्लाइटिस को ख़त्म कर दिए, हर तरीके से वो जितना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य के लेके कोई चिंता नहीं करी, क्योंकि महाराज जी बहुत अलर्ट रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं कि कहीं भी हेल्थ इश्यू के साथ कोई मजाक ना हो। कोरोना का वैक्सीन आएगा जल्दी और ये नया साल का तोहफा प्रधानमंत्री जी देंगे पूरे देश को, और मेरा देश महादेव की दया से जल्दी हम लोग इस कोरोना की लड़ाई को ख़त्म करेंगे नए साल में। आज क्रिसमस डे भी है, सांसद जी अवसर पे क्या कह रहे हैं? मेरी क्रिसमस सभी लोगों को, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे जो क्रिसमस मना रहे हैं, सबको बहुत सारी क्रिसमस की और नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।